दोस्तों, भारत देश अनेक प्रकार की संस्कृतियों और विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसलिए यहाँ अक्सर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी खबरें भी मिला करती हैं। बहुत लोग सच्चे प्रेम और लव जिहाद को एक ही चश्मे से देखते हैं। कहने का अर्थ है कि तमाम सेकुलर बुद्धिजीवी लव जिहाद को भी प्रेम का नाम देते हैं, परंतु लव जिहाद और सच्चे प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, लव जिहाद की शिकार लड़की कुछ ही समय बाद सूटकेस में मिलती है और ऐसे अब तक सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं, परंतु फिर भी सेकुलर बुद्धिजीवियों को यह सब नहीं दिखाई देता। यही नहीं, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए जोधा अकबर तथा पद्मावत जैसी फिल्में बनाई गई। दोस्तों, सच्चे प्रेमी को नाम नहीं बदलना पड़ता, जबकि लव जिहादी नाम व पहचान छिपाता फिरता है। यही नहीं, सच्चा प्रेमी जीवन भर साथ निभाता है, वहीं लव जिहादी लक्ष्य पूरा होते ही या तो छोड़ देता है या मार देता है। ऐसे केसेस लगातार देखने को मिलते रहते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी मुस्लिम अभिनेत्रियों से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदू जीवन साथी चुना और आजीवन वह दोनों साथ रहे और उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है मधुबाला। अपनी खूबसूरती से आज भी खास पहचान रखने वाली एक्ट्रेस मधुबाला ने जाने माने सिंगर किशोर कुमार को अपना जीवन साथी चुना था। दोस्तों, मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। यहां बता दें कि पहले मधुबाला और दिलीप कुमार की शादी होने वाली थी, परंतु किसी कारण से मधुबाला के घर वाले दिलीप कुमार से नाराज हो गए। इसके बाद मधुबाला ने किशोर कुमार को अपना हमसफर चुना। किशोर कुमार गायक होने के साथ साथ गीतकार, एक्टर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर भी रहे हैं। आते हैं नंबर दो पर, जो कि है नरगिस। पुराने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेस नरगिस दत्त को भला कौन नहीं जानता। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। यह भी बता दें कि सुनील दत्त का भी असली नाम बलराज दत्त था। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में नरगिस ने सुनील दत्त की माँ का किरदार निभाया था। एक दिन शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और नरगिस उस आग के बीच फंस गई। तब सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था। इसके बाद नरगिस और सुनील का आपस में प्यार हो गया। फिल्म पूरी होने के बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली और आजीवन साथ रहे। यह दोनों ही एक्टर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके बेटे संजय दत्त बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं, वह हैं माना कादरी। दोस्तों, सुनील शेट्टी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में होती है। बताते चलें कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सुनील शेट्टी शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी का नाम है माना शेट्टी। माना शेट्टी का असली नाम मोनिशा कादरी था, क्योंकि यह भी एक मुस्लिम लड़की थी। इन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सुनील शेट्टी ने माना को पहली बार एक पेस्ट्री की दुकान पर देखा था। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाई, परंतु इन दोनों की शादी में धर्म आड़े आ रहा था। आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद परिवार वाले मान गए और इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मोनिशा ने हिंदू धर्म अपना लिया और तब से उनका नाम माना शेट्टी हो गया। शादी के बाद यह दोनों दो बच्चों के माता पिता बने। इनकी बेटी आतिया शेट्टी तथा बेटा अहान शेट्टी है। आते नंबर चार पर, जो की हैं शबाना रजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना रजा ने अपना जीवन साथी मनोज वाजपेयी को चुना है। शबाना रजा फिल्म करीब में बॉबी देओल के साथ नजर आई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने उनका नाम बदलकर नेहा रखा था। इसी फिल्म के सेट पर मनोज वाजपेयी और शबाना राज की मुलाकात हुई और वर्ष 2006 में दोनों ने शादी कर ली। मनोज और नेहा को एक बेटी है जिसका नाम है अवा नायला। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे हैं। बता दें कि शबाना रजा हिंदू धर्म को मानती हैं और पूजा पाठ भी करती हैं। आते नंबर पांच पर, जो कि हैं दिया मिर्जा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने वर्ष 2014 में प्रोड्यूसर साहिल सिंघा से शादी की थी।
दिया मिर्जा वर्ष 2000 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम कर चुकी। बॉलीवुड में उनकी एंट्री 2001 में आई फिल्म रहना है तेरे दिल में से हुई थी। इस फिल्म का ये गीत है सच कह रहा है दीवाना, आज भी बहुत पॉपुलर माना जाता है। नंबर 6 पे आते हैं और वह हैं सोहा अली खान। निश्चित रूप से आप सोहा अली खान को तो जानते ही होंगे। साल 2015 में सोहा अली खान और कुणाल खेमू की लव मैरिज हुई थी। यहाँ बताते चलें कि सोहा अली खान पटौदी परिवार की बेटी तथा सैफ अली खान की बहन है। वहीं कुणाल खेमू एक कश्मीरी पंडित हैं। साल 2001 में एक फिल्म के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई। कुणाल और सोहा की एक बेटी भी है जिसका नाम इनाया है। आते नंबर 7 पर जो कि है आमना शरीफ। स्टार प्लस का सीरियल कहीं तो होगा से अभिनय की शुरुआत करने वाली अदाकारा आमना शरीफ छोटे पर्दे की जानी मानी शख्सियत है। आमना ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है परंतु वह सफल नहीं हुई। वर्ष 2013 में आमना शरीफ ने अमित कपूर से लव मैरिज की थी और अब वह हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है आर्यन कपूर। आते नंबर 8 पर जो की है अलवीरा खान। सलमान खान की छोटी बहन अलवीरा खान ने 1996 में अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी। इन दोनों का प्यार सलमान खान की फिल्म जागृति के सेट पर हुआ था। बता दें कि अलवीरा हिंदू संस्कृति का पालन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और मंदिर जाती हैं तथा सभी हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट भी करती हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया 8 मुस्लिम अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने हिंदू अभिनेताओं से शादी की और वह हिंदू सनातन संस्कृति का पालन कर रही हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।